अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन बन। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं एंड वेलकम टू माय नवी वीडियो। 2 कप हमने मैदे के ले लिए हैं। 1 चम्मच हम इसमें चीनी की शामिल करते हैं। 1/2 चम्मच हमने इसमें नमक की शामिल करनी है। 1 चम्मच हम इसमें दही का शामिल करेंगे। 1/4 स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर की शामिल करेंगे एंड 1 स्पून हम इसमें यीस्ट की शामिल करेंगे। इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेते हैं। 1 एग हम इसमें तोड़ के वो भी शामिल करेंगे। टू टू थ्री टेबलस्पून हम इसमें ऑयल की भी शामिल करेंगे। कोसे थोड़ा थोड़ा कोसा दूध शामिल करेंगे इसको भूनने के लिए और इसको अच्छी तरह से हम आटा को हम अब इधर निकाल के और इस पे खेंच खेंच के गूंदेंगे ताकि यीस्ट के दाने बिल्कुल भी ना रहें और ना ही यीस्ट की स्मेल इसमें से आए। तो देखें आटा हमारा अच्छी तरह से गूंद चुका है। अब बाउल में हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा के और अपने इस पेड़े को उसके अंदर रख देंगे और फिर किसी गर्म जगह पे इसको हम आधे से 1.25 घंटे के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारा आटा जो है वो अच्छी तरह से राइस हो जाए। ये देखिए जी हमारी डो राइस हो चुकी है। ठीक है तो इसको हम निकालते हैं अब और थोड़ा सा और गूंद लेते हैं। खेंच खेंच के गूंदना है। सबसे पहले पैन में हम ऑयल को डालते हैं। थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें हम चॉप्ड अनियन डालेंगे और इनको सॉटे करते हैं। ये प्याज हमारा सॉटे हो चुका है तो अब हम इसमें चॉप की हुई ग्रीन मिर्चें शामिल करते हैं। अब साथ ही हम इसमें अपना चिकन का कीमा वो शामिल करते हैं। सारा निकाल लेते हैं और इसको पका लेते हैं। इसको तेज आंच में पकाएं ताकि आपका चिकन का पानी फौरन खुश्क हो जाए। इसमें हम डालेंगे काली मिर्च और साथ में नमक। ये हो गया, ये गई हल्की सी हरा मिर्च इसके अंदर। 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें मैदा शामिल कर रहे हैं और मैदे को पहले अच्छी तरह से हम इसमें भून लेते हैं। साथ ही इसमें हम 1/2 कप के करीब दूध शामिल कर देते हैं। ये देखें जी स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे
थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से, तो ये हमने ऊपर से थोड़ा सा हमने गरम मसाला डालना, बस बंद कर दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखें कि हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारा आटा रेडी हो चुका है, अब हम इसके को पीसेस में कट कर लेते हैं। पेड़े बना के रख लेते हैं। एक बोल में हम अंडा फेंट के रख लेते हैं। तो अब हम इसको एक ये लेंगे और इसकी साइड्स को हम जो हैं वो ऐसे पतला पतला कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे इसके सेंटर बना लेते हैं और इसमें हम अब अपनी स्टफिंग शामिल करते हैं। तो ये देखें, ये हमने इसमें अपनी स्टफिंग डाली है और साथ ही हम ये देखें जी, हमारे ये चारों बंस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इनके ऊपर अब हम डालेंगे कलवंजी सी, एग वॉश कर लेते हैं, इन पे एग लगा लेते हैं, फिर डालते हैं कलवंजी। इनको अच्छी तरह से हम इनकी साइड्स पे लगा लेते हैं, एग लगा लेते हैं। अब इनको हम अपने देश के जिसको हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया है उसमें जाके इसको रखते हैं। देश का हमारा गर्म हो चुका है, प्री हीट हमने कर लिया, अब हम इसको ऐसे रख लेते हैं 30-35 मिनट्स के लिए कवर करके। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, एक बन जो है वो खुल चुका है, बाकी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो चलिए इनको निकालते हैं अभी। माशाल्लाह से ये देखें कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। अब इनके ऊपर हम ऑयल लगा देते हैं ताकि उससे ये है कि ये सॉफ्ट रहेंगे। तो थोड़े तो ये देखें कितना सॉफ्ट, कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन बंस रेडी हुए हैं। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका और कितने सॉफ्ट बने हैं ये देखें। बिस्मिल्लाह। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। मिलते हैं एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।